एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 35। जी दोस्तों, आज हम सोल्यूशन नंबर 35 करेंगे। इससे पहले मैं सोल्यूशन नंबर 34 तक आपको करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पास्ट ट्रांजैक्शन की हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखानी है। चलिए अब एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इस तरीके का अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर ट्रांजेक्शन, फिर एसेट, थोड़ी दूर करके आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में जिन जिन एसेट्स की बात होगी वो है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीपेड। लाइबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल में तो कैपिटल होता ही है। ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलता है कि किन एसेट्स की बात की जा रही है, किन लाइबिलिटी की बात की जा रही है। चलिए अब करते हैं अपने नंबर वन ट्रांजेक्शन, जो कि कह रही है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो 50,000 रुपीज के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। जहाँ पे इस एंट्री कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। अब करिए बैलेंसिंग, तो कैश में 50,000 आएगा, कैपिटल में 50,000 आएगा, और जहाँ कोई अमाउंट नहीं आया था वहाँ पे जीरो ही मेंशन करेंगे आप। स्टॉक में जीरो आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, प्रीपेड में जीरो, क्रेडिटर में जीरो आएगा। अब करते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर टू। ट्रांजेक्शन नंबर टू में कह रही है पेड रेंट रुपीज 4,000 इंक्लूडिंग रुपीज 1,000 एस एडवांस। तो कहा गया है कि 4,000 रुपीज पे किए गए हैं, जिसमें से 1,000 रुपीज एडवांस में पे कर दिए गए हैं। मतलब 4,000 रुपीज तो हमने पे करे रेंट के लिए, बट उसमें जो 1,000 रुपए पे किए गए थे वो हमने अगले महीने के भी पे कर दिए। अब देखिए इस एंट्री का इम्पैक्ट हमें कैसे कहाँ कहाँ होगा। इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। सबसे पहले ये समझिए कि पेड रेंट एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। जब ये एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस होना चाहिए, कैपिटल में से माइनस होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए क्या है कि 1,000 रुपीज हमने एडवांस में पे कर दिए, तो एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे आप प्रीपेड में 1,000 रुपीज दिखाएंगे, और साथ ही जब आप कैपिटल में अमाउंट डालेंगे तो आप 4,000 ही मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रीपेड का अमाउंट प्लस होता है कैपिटल में। तो आप 1,000 रुपीज मेंशन करेंगे, 1,000 रुपीज मेंशन करेंगे, तो फिर आपको 4,000 में से 1,000 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे, तो 3,000 रुपीज आप मेंशन करेंगे। तो कैश में आपको सबसे पहले लिखना है 4,000 रुपीज, प्रीपेड में आएगा 1,000 रुपीज, और कैपिटल में आएगा माइनस 3,000 रुपीज। क्योंकि अगर ये नहीं लिखा होता 1,000 रुपीज तो मैं यहाँ पे 4,000 के अमाउंट दिखाता, पर 1,000 रुपीज ऐसे एडवांस पे कर दिए गए हैं तो मुझे यहाँ पे 1,000 रुपीज माइनस करने होंगे, और 3,000 रुपीज हमें कैपिटल में दिखाना होगा। यहाँ पे सेंट्री कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए, और करिए सेंट्री की बैलेंस, अब करिए बैलेंसिंग। तो कैश में 46,000 आएगा, स्टॉक में जीरो आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, प्रीपेड में 1,000 रुपीज आएंगे, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में 347,000 आएगा। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, जो कह रही है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। तो दो बार गुड्स परचेज किए गए हैं, एक बार कैश में, एक बार उधार में। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट भी तीन जगह होगा। सबसे पहले कैश में से माइनस कर दीजिए 30,000, क्योंकि गुड्स परचेज किए गए तो कैश में 30,000 के 30,000 माइनस होगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा 50,000, क्योंकि दोनों बार बिजनेस ने परचेज ही किया है। तो 50,000 स्टॉक में प्लस करेंगे आप, साथ ही हमारे ना क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिटर भी बढ़ गया हमारा, तो 20,000 क्रेडिटर में भी प्लस करेंगे। यहाँ पे एंट्री कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जीरो मैच कीजिए। अब करिए फिर बैलेंसिंग, तो कैश में आएगा 16,000, स्टॉक में आएगा 50,000, फर्नीचर में जीरो आएगा, प्रीपेड में 1,000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000, और कैपिटल में आएगा 47,000। अब करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन नंबर फोर। ट्रांजेक्शन नंबर फोर हमें कह रही है सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 टू रुपीज 25,000। 20,000 रुपीज का गुड्स हमने 25,000 रुपीज में बेच दिया। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। सबसे पहले 25,000 पैसा आया बिजनेस के पास, 25,000 इंक्रीज हो गया, तो आप प्लस करेंगे, 20,000 आप माइनस करेंगे, क्योंकि फेल हुई है बिजनेस, स्टॉक कम हो गया, और जो प्रॉफिट हुआ ना 5,000 वो कैपिटल में प्लस कर दीजिए। कैपिटल में आप 5,000 रुपीज क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे सेंट्री कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब करिए बैलेंसिंग, कैश में आएगा 41,000, स्टॉक में आएगा 30,000, फर्नीचर में जीरो आएगा, प्रीपेड में 1,000 रुपीज आएंगे, क्रेडिटर में 20,000, और कैपिटल में आएगा 52,000। आइए अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन, जो कि आ रही है, जो कि है परचेज फर्नीचर 4,10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 5,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। तो एक बार फर्नीचर परचेज, दो बार फर्नीचर परचेज किए गए, एक बार तो ऑफिस यूज के लिए परचेज किया गया, एक बार पर्सनल यूज के लिए परचेज किया गया। तो जो ऑफिस यूज के लिए परचेज किया गया है उसका इम्पैक्ट होगा दो जगह, एक तो कैश में से आप माइनस कर देंगे, दूसरा फर्नीचर में आप 10,000 रुपीज प्लस कर देंगे। दूसरा जो पर्सनल यूज के लिए किया गया है, तो पर्सनल यूज एक तरह की ड्राइंग होती है, ड्राइंग आपको कैश में से माइनस करनी है और कैपिटल में से माइनस करनी है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, इसकी पूरी एक एंट्री बनाए, तो कहने का मतलब यह है कि 15,000 रुपीज कैश में से माइनस होंगे। इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। तो सबसे पहले 15,000 रुपीज कैश में से माइनस होंगे, फिर 10,000, 5,000 को प्लस कर देंगे,
फर्नीचर में आप 10,000 प्लस कर देंगे क्योंकि ऑफिस यूज के लिए परचेज किया था, और साथ ही आप डोमेस्टिक यूज है, डोमेस्टिक यूज के लिए हमने परचेज किया तो 5,000 को आपको कैपिटल में से माइनस करना होगा। समझने वाली बात यह है कि जो डोमेस्टिक यूज के लिए, जो ऑफिस यूज के लिए हमने परचेज किया था वो आपको कैपिटल में से माइनस नहीं करना, वो सिर्फ कैश में दिखाना है आपको और फर्नीचर में दिखाना है, बट जो डोमेस्टिक यूज के लिए परचेज किया था वो आपको कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करना है। यहाँ पे सेंटर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे आप जीरो मेंशन कीजिए। आपका रिबैलेंसिंग तो कैश में आएगा 26,000, स्टॉक में आएगा 30,000, फर्नीचर में 10,000, प्रीपेड में 1,000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में आएगा 47,000। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।